देवास में कलेक्टर चंद्रमोली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आबकारी उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई के नेतृत्व में आबकारी व्रत टोंक खुर्द के दोनता जागीर सांसी मोहल्ला एवं चिड़ावत कंजर डेरे में सुबह आबकारी की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जिसमें कई चलित हाट भट्टियां पाई गई जिनमें कच्ची शराब उबल रही थी जिनको मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही आसपास जंगल में सर्चिंग करने पर कई ड्रम मिले जिनमें महुआ लाहन बरामद हुआ जिसे मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में 9 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए, जिसमें 180 लीटर हाट भट्टी मदिरा एवं 9000 लीटर महुआ लाहन बरामद किया गया। बरामद सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 4,86,000 रुपए है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव, डीपीसी निधि शर्मा, दिनेश भार्गव, मुख्य आरक्षक राजा राम रेकवार, दीपक धूरिया, विष्णु प्रसाद आबकारी आरक्षक सम्मिलित रहे। देवास जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध माननीय कलेक्टर महोदय एवं जिला कार्य अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे के निर्देशन में व्रत टोखर में कंजर डेरे, सासी मोहल्ला, दोनता जागीर और चिड़ावत कंजर डेरा है, वहाँ पर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें नाले किनारे जमीन में गड़े हुए एवं रेलवे पटरी के पास में ड्रमों में महुआ लाहन जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 9 प्रकरण कायम किए गए हैं और जब्त महुआ लाहन कुल की मात्रा 9000 किलो एवं 180 लीटर कच्ची हरपट्टी मदिरा बरामद की गई। कितने कीमत है इसकी? उक्त जब्त मदिरा की अनुमानित मूल्य 4,86,000। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।